अभी आज आपको हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के जितने वायर है उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना, परिचय, अलग अलग वायरों का पहचान करना। अगर ये वीडियो देख करके अगर आप पहचान कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। जैसे अपने पास में अलग अलग प्रकार के वायर हैं, सबसे ज़्यादा स्किल जो है वायर को देख करके उसकी पहचान कैसे करोगे आप, पहचान कैसे करोगे। कई बार क्या होता है कि अपन जब काम को करते हैं, काम करते समय जो वायर मिला ले लिया, काम में भी लिया, लेकिन काम पूरा ख़त्म होने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कौन सा काम में लिया, पता नहीं साहब ये तो हमने बंडल जो दिया था वो लगा दिया है ना। आगे और जैसे जैसे प्रैक्टिकल आगे आता जाएगा उस समय आपको बता देंगे कि कौन सी मशीन के लिए या कौन सी वायरिंग के लिए कितने साइज का वायर चाहिए, वो तो अपन बाद में बताएंगे। लेकिन जब कहीं आप काम कर रहे हैं, आपको जो वायर दे दिया गया, आपने काम में ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं है कि कौन सा वायर काम में लिया था, आपको पहचान तो होनी चाहिए ना। तो केवल तो अपनी पहचान करना, आपके हाथ में जो वायर है वो क्या है, कौन सा है, किस साइज का है और उसकी लंबाई, अब उसकी आपको पहचान करनी है। सबसे पहले तो जनरली क्या होता है कि अपन मार्केट में जैसे जाते हैं तो वायर का बंडल, ये वायर का बंडल इस टाइप का आता है, अपन सीधा क्या किया आपने, वायर का बंडल आ गया लिया और काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इस वायर के बंडल में इसकी लंबाई कितनी है, साइज़ क्या है, उसके ऊपर क्या लिखा रहता है और कहाँ लिखा रहता है, ये आपको पहचान करनी कि कहाँ पर लिखा रहता है इसकी। तो बंडल जैसे आपने लिया, कहीं पर भी वायरिंग करने जाते हैं, काम करते हैं, कहीं पर भी काम चल रहा होता है, वहाँ पर भी जगह जा करके देख सकते हैं कि आप जहाँ काम चल रहा है वहाँ पर कौन सा वायर काम में ले रहे हैं। कहीं आप इंस्पेक्शन भी करने जाएं, इंस्पेक्शन मतलब जांच करने जाते हैं, तो अगर मान लो कोई कॉन्ट्रेक्टर या ठेकेदार कहीं काम कर रहा है तो कौन सी साइज का वायर यूज़ कर रहा है ये आपको देखना है। तो एक बंडल के ऊपर जनरली क्या है कि साइज लिखी रहती है, जैसे ये बंडल है आप इसमें यहाँ पर लिखा है 1 square mm, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के रूप में आपके पास में है ये 1 square mm और इसके ये फ्लैग के ऊपर भी लिखा रहता है 1 square mm, ठीक है। 1 square mm का मतलब होता है 1 millimeter वर्ग मिलीमीटर, एरिया है, क्षेत्रफल है, 1 mm इसकी मोटाई नहीं है, 1 mm इसकी मोटाई नहीं है। इंसुलेशन हटाने के बाद जो तार आते हैं उन तारों की सबका जो एरिया निकाल करके और टोटल लिखा जाता है वो है इसका 1 square mm। अभी और आगे डिटेल आपको बता देंगे 1 square mm आया कैसे, उसके लिए आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। एक तार इसमें से कितने तार हैं और एक तार का व्यास कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसमें कितने तार हैं, इसे गुणा करने के बाद फिर कितना एरिया आता है वो 1 square mm होगा। अगर इस तार की भी जांच करनी है तो अपन करेंगे इसके लिए, ठीक है। अभी फिलहाल तो ये बंडल आपके सामने है तो यहाँ आपको देखना है 1 square mm लिखा रहता है। अब एक बंडल में कितना लंबा तार होता है ये भी एक स्टैंडर्ड है जिसमें 90 meter मतलब 300 feet लगभग, क्योंकि ये 90 meter यहाँ लिखा हुआ है लेंथ। एक कॉइल में कितना लंबा तार निकलेगा 90 meter, ठीक है। तो ये तो आपको आइडिया लग गया कि एक बंडल मतलब 90 meter का बंडल आता है मार्केट में ही आता है। अगर कहीं काम करने के लिए जाते हैं तो हमें वायर चाहिएगा तो 90 meter से तो एक बंडल हो गया, उससे अधिक अगर चाहिए तो उस हिसाब से आपको लगभग साइज अलग अलग होगी। साइज 1 mm है, 0.75 है, 0.5 है, 2.0 है, 2.5 है, 4 square mm है, 6 square mm है, ये सारे साइजें अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन एक बंडल की जो साइज है, बंडल की जो लंबाई है, एक बंडल में जो जितना मटेरियल आता है वो 90 मीटर फिक्स रहता है, ठीक है। तो कहीं पर भी आप ये काम करने जा रहे हैं तो फिर आपको कितने बंडल चाहिएगा ये एक एस्टिमेट आपको पता होना चाहिए कि एक बंडल आपने लिए इसका मतलब इसमें 90 मीटर वायर है, 90 मीटर या 300 फीट लगभग, ठीक है। तो ये अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी लेते हैं। इसमें जो है फ्लेक्सिबल तार है, ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब मल्टी स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रेंथ जो है वो मल्टी स्ट्रेंथ। अब एक से अधिक तार इसमें है, पतले पतले तार हैं ना इसमें बहुत सारे। अब इसमें एक तार का एरिया निकालना है आपको, इसमें एक तार का एरिया निकालने के बाद फिर आप उसमें कितने तार हैं
इससे गुणा करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, वो 1² में होगा। तो ये फ्लेक्सिबल, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल, आसानी से मुड़ने वाला, उसको फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का अर्थ ये होगा आसानी से मुड़ जाए, कहीं पर भी मोड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब होता है दूसरा जो तार आता है सिंगल स्ट्रेंथ। अब ये सिंगल स्ट्रेंथ वायर, कहीं कहीं आपको ऐसे वायर भी मिलेंगे, ये सिंगल स्ट्रेंथ वायर कहलाता है, सिंगल स्ट्रेंथ। ये मल्टी स्ट्रेंथ, मल्टी एक से अधिक, सिंगल स्ट्रेंथ वायर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, ये इधर इधर ज़्यादा मोड़ोगे तो टूट जाए, ज़्यादा अगर मोड़ तोड़ आ गए तो ये टूट सकता है, इसलिए इसकी जगह अपन ज़्यादातर ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा काम में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये मल्टी स्ट्रेंथ, ये पर भी है 7/20। अब यहाँ 7/20 है तो ये 7 तार हैं इसमें, है ना, और 20 इसका एक का गेज है, एक का गेज 20 है वायर गेज इसका, तो 7/20 नाम दे दिए इसका। ये तभी प्रचलन कम हो गया, अब इसकी जगह फ्लेक्सिबल ज़्यादा आने लगे, ये पहले मल्टी स्ट्रेंथ आते थे, बड़ी बड़ी मशीनों में वायरिंग करने के काम आते हैं, मशीनों की जो कनेक्शन वगैरह करते हैं उसकी जो वायरिंग है स्टार्टर से मोटर तक की जो वायरिंग होती है, तो उसमें ये 7/20 का, और साथ में इसके बाद ये भी बोलते हैं कि कॉपर, तांबे का है इसलिए कॉपर, और ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम, तो तार के साथ तो क्या मटेरियल का भी आना चाहिए, साइज भी आनी चाहिए, दोनों चीज़ें, और किस टाइप का चाहिए, सिंगल स्ट्रेंथ चाहिए या मल्टी वाला चाहिए। अब 1 mm का सिंगल वाला भी मिलता है और 1 mm मल्टी भी मिलता है या फ्लेक्सिबल भी मिलता है, आजकल फ्लेक्सिबल का प्रचलन ज़्यादा है इसलिए सिंगल स्ट्रेंथ कम हो गया, बहुत पहले ये भी चलते थे, अगर कहीं आपको पुरानी वायरिंग वगैरह कहीं देखोगे तो उसमें ऐसा होगा, तो फिर ये पहले इस टाइप के भी चलते थे सिंगल स्ट्रेंथ वाले कॉपर के, ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम, सिंगल स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम, ये मल्टी स्ट्रेंथ हो गया या फ्लेक्सिबल हो गया, मल्टी स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबल, ठीक है। साइज वगैरह इसकी देख के अभी अपन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो आप माइक्रोमीटर से इसकी साइज नापनी है, इसका एरिया नापना है, उसके बाद आपको पूरा ये इसका वेरिफिकेशन करना कि नहीं ये वास्तव में इस साइज का ही तार है। पहले तो इसकी पहचान एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम, कॉपर है तो कॉपर, एल्यूमिनियम और कॉपर, और ये हो गया आपका 7/20 का तार, ठीक है, क्लियर। अब आप देख के पहचान कर लेंगे, देख के पहचान कर सकते हैं ना, वायर की पहचान करना है तो ये अगर आपको ये हाथ में जैसे ये आ गया तो 7/20 का तार है, और ये सिंगल हो तो सिंगल स्ट्रेंथ हो गया, और एल्यूमिनियम सिंगल स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम, और ये फ्लेक्सिबल, अब फ्लेक्सिबल में है तो बहुत सारे तार, लेकिन अब पहचान करनी पड़ेगी कि वास्तव में ये 1 mm का है, 0.75 का है, 4 mm का है, 6² mm का है, वो तो कवर पे लिखा मालूम पड़ जाएगा। और भी अगर जांच करनी है, बारीकी से जांच करनी है तार की, तो इसका एक तार जो है उसका क्षेत्रफल निकालना है, एक तार का व्यास निकालना माइक्रोमीटर से, पतला तार ये मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इसका एरिया कितना है, इसका व्यास निकालेंगे माइक्रोमीटर से, माइक्रोमीटर भी है, माइक्रोमीटर से इसका व्यास निकालेंगे, और व्यास निकालने के बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, सूत्र पाई आर स्क्वायर वाला सूत्र लगाना है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तब एक तार का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये सारे जितने भी तार हैं इनकी संख्या से इसका गुणा कर देंगे, तो इतने तार अगर मिल करके तो एरिया बनता है वो कितना होता है, तो ये इसकी पहचान हुई तार की, ठीक है। और इसके अलावा एक खासियत और होती है, सभी कंपनियां जो है अगर आपको इस मुंह के ऊपर जो है वो तार गिनने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसके तार को गिनने में दिक्कत आ रही है, तो जगह जगह पर हर एक एक फीट की दूरी पर यहाँ कंपनी का नाम लिखते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर इसका एरिया भी लिखा रहता है, आप इसको पढ़ना है। ये आपका इंसुलेशन, ये कहलाता है आपका इंसुलेशन, अंदर हो गया वो कंडक्टर मतलब चालक, अंदर तो चालक है, ऊपर हो गया इंसुलेशन। अब इंसुलेशन PVC का हो सकता है, TRS का हो सकता है, टफ रबड़ सीथेट का भी हो सकता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का भी है, ये PVC है। अब इस इंसुलेशन के ऊपर यहाँ जगह जगह लिखा रहता है कि किस साइज का है, कितने वोल्ट तक सहन करने की इसकी क्षमता है, इंसुलेशन की क्षमता कितने वोल्ट सहन करने की, और इसकी साइज भी लिखी रहती है, कंपनी का नाम भी लिखा रहता है, और कुछ मॉडल नंबर भी लिखा रहता है, ये आपको पढ़ना। अगर
अगर मान लो मूव के ऊपर आपने कैलकुलेशन नहीं कर पाता था या बीच में थोड़ा सा ये यहीं पर देख लिया और यहाँ पर देख लिया कि अच्छा ये वायर कितने साइज का है, यहीं पर भी देख लिया, इसके ऊपर भी लिखा रहता है, यहाँ भी थोड़ा आगे पीछे करके देख लिया कि यहाँ छपा हुआ होगा, हर एक एक फिट की दूरी पर ये छपे हुए रहते हैं, आप इसकी देख के ये पहचान कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कंपनियाँ लगभग सब लोग लिखते हैं, कभी कभी कोई नहीं लिखा हो तो थोड़ी सी दूरी ज़्यादा दूरी पर लिखा होगा तो वो देख लेंगे, ठीक है, तो पहचान हो जाएगी आपकी, आराम से पहचान कर लोगे। अब आपके हाथ में जो भी वायर है उसकी आपको पहचान होनी चाहिए कि हमारे हाथ में जो वायर है वो ये साइज़ का है। अब कौन सा उपयोग में लेना है कौन सा नहीं वो अपन और आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे कि मतलब बाहर कितना है तो कौन सा वायर लेना चाहिए, वो अभी विस्तृत जानकारी नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि अभी बहुत सारा कोर्स पढ़ना बाकी है, अभी केवल आपको पहचान ही करनी है। इसके अलावा एक ये आता है TRS केबल, टफ रबर, और एक से अधिक तार। अब ये वाला जो है इसको तो बोलेंगे अपन वायर, केवल सिंगल है, सिंगल मतलब फेज और न्यूट्रल दोनों के लिए तो एक तार अलग दूसरा अलग, ठीक है। जब ऐसे ऐसे दो तारों को मिला के इंसुलेशन के ऊपर एक और इंसुलेशन हो जाता है तो उसको नाम हो गया केबल। केबल और वायर में क्या अंतर है, जब एक से अधिक चालक तार का अलग अलग इंसुलेशन रख करके फिर अलग से इंसुलेशन एक और होता है उसका नाम हो गया केबल, तब इसको अपन बोलेंगे केबल। केबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो तार का अलग अलग इंसुलेशन है और उसके ऊपर अलग से फिर इंसुलेशन है। अभी आगे और केबलें बहुत सारी आएंगी, उसके ऊपर दूसरा ना तीसरा ना तीन और चार लेयर में पांच लेयर में ऐसे अलग अलग आती है, जो अंडरग्राउंड डालते हैं तो उसमें स्टील के तार भी उसके ऊपर आते हैं, क्योंकि जमीन में कोई खोदे तो फिर पहले चोट सीधे तार के ऊपर नहीं लगे, इसके लिए ऊपर और होता है, तो उसको बोलते हैं आर्म सुरक्षा के लिए। वो केबलें जो होती हैं अंडरग्राउंड केबलें उसमें ये भी होता है। तब केबल, केबल का अर्थ क्या हुआ, जब दो तार अलग अलग हो और उसके ऊपर अलग अलग इंसुलेशन, ऐसा भी नहीं एक फेज और एक न्यूट्रल, एक प्लस और एक माइनस, इन सब जो भी है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या इसको एक फेज और एक न्यूट्रल के देंगे, या तीन फेज होंगे तो तीन और से उससे होंगे आर वाई बी तीन कलर के और एक न्यूट्रल कॉमन होगा, तो थ्री कोर केबल भी बोलेंगे, कोर बोलेंगे। ये है टू कोर केबल, अभी आपके सामने ये कितनी है टू कोर है, टू है, एक लाल और एक काला ऐसे ही मिलेगा, डिफरेंट कलर का इंसुलेशन मिलेगा ये पूरा आगे तक, और इसके ऊपर जो कवर होता है ये TRS होता है, टफ रबर है ना, ये रबर थोड़ा सा टफ होता है, ऊपर का जो इंसुलेशन है ये टफ होगा, थोड़ा सा आप ये देख लेना कि ये टफ रबर है ना, रबर भी टफ है। अभी आप इसके बाद आप करेंगे प्रैक्टिकल करके देखना है, अपने हाथ से इसका इंसुलेशन छीलना है, आप छीलने के लिए जो औजारों का उपयोग करना, अब यहाँ पर भी है कि औजारों का भी उपयोग करना है, तो प्लायर कैसे पकड़ना, प्लायर नहीं तो कई बार क्या है वो प्लायर ऐसे पकड़ेगा ऐसे पकड़ेगा कैसे पकड़ेगा, प्लायर पकड़ने नहीं आता, प्लायर को ऐसे पकड़ना, ये दो उंगलियां तो ये बीच में ऐसे रहनी चाहिए, एक उंगली ऐसे नहीं, इसको जरूरत पड़ने पर इसको ऐसा मूवमेंट हो तो होता रहना चाहिए, तब जाकर के कहेंगे कि ये प्लायर पकड़ने आया है अंगूठे के बीच में ऐसे, नहीं तो ऐसे ऐसे पकड़ोगे तो काम का नहीं, काम नहीं हो पाए। तो औजार को कैसे पकड़ना ये भी अभी प्रैक्टिकल यही है आपका, औजार का परिचय, औजार का उपयोग करना, अपन यही कर रहे हैं कि औजार का उपयोग कैसे किया जाता है, तो औजार का उपयोग करना है, प्लायर कैसे पकड़ना, पेचकस कैसे पकड़ना, हथौड़ी कैसे चोट मारनी है, कील कैसे ठोकनी है, ये सारा स्किल में आता है। स्किल मतलब आपने जो काबिलियत कितनी है, मतलब औजार चलाने का अभ्यास कितना है, मतलब कर सकते हो सभी, प्लायर भी ले सकते हो लेकिन प्लायर चलाने नहीं आता, प्लायर को पकड़ने नहीं आता, तो आप अभी इसको वायर को छीलेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप जो है, तो प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि औजार को कैसे पकड़ा जाता है। तो प्लायर को पकड़ने का तरीका इस प्रकार से, एक उंगली बीच में ताकि ये आराम से इसको खोल सके इसके जबड़े को और इसको वापस ऐसे बंद कर सके ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऐसे मूवमेंट होना चाहिए, और ये TRS केबल है टफ रबड़, तो इसके ऊपर रबड़ का जो इंसुलेशन है उसको छीलना है ऐसे, ये टफ रबड़ है, TRS टफ रबड़ शीथेड जिसका पूरा नाम, अंदर हो गया आपका PVC जैसे इसका इंसुलेशन था, PVC पॉलीविनाइल फ्लोराइड इसका पूरा नाम हो गया PVC वायर, और ये TRS वायर या CTS केप टायर सीथेड ऐसा भी नाम होता है, ठीक है। अंदर अलग अलग इंसुलेशन, दो अलग अलग इंसुलेशन है, और ऊपर डबल इंसुलेशन करके फिर किया गया था, ये केबल हो गया, ठीक है।
अब ये केबल हो गई आपकी क्लीन कोर, दो कोर है इसमें, इसको बोलते हैं कोर। कोर का मतलब क्या हुआ, ये दो तार जो है ना, ये अलग अलग दो तार है तो इसका दो कोर कहेंगे। अगर मान लो इसमें तीन होंगे तो थ्री कोर कहलाएगी, चार होंगे तो फोर कोर हो जाएगी। तो वायर की पहचान किस टाइप से होगी? अब जैसे आती केबल, केबल आती है तो क्योंकि अपनी ये बंडल तो होता है छोटा, है ना, ये बंडल होता है 90 मीटर मतलब 300 फीट का हो गया, तो वो तो छोटी साइज का है। अगर मान लो ऐसी केबल वगैरह है तो फिर आप क्या करेंगे, ये तो 1000 फीट का आता है, 300 मीटर के बंडल आता है, 300 मीटर मतलब 1000 फीट हो गया, 1000 फीट का बंडल इतना बड़ा होता है, उसमें आपको कितनी केबल चाहिए। या अगर मान लो सपोज करो आप कहीं किसी दुकान पे काम करने के लिए गए हैं, आपको कितनी आइडिया होना चाहिए कि उसको अगर 10 मीटर चाहिए तो लंबाई थोड़ी ना आएगी, एक 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 फीता लेके नापने की जरूरत नहीं है, सीधा बंडल के ऊपर हर जगह हर एक एक मीटर पे लिखा रहता है। अब ये आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा कि नहीं, एक मीटर पे लिखा रहता है, अब कहाँ लिखा रहता है ये भी आपको देखना है, और ये साइज क्या है ये भी आपको देखना है। साइज का कंफर्मेशन, तो जैसे ये वायर है इसकी साइज अपन नापेंगे, अभी मैं उसको देख करके तो अनुभव कर सकता हूँ कि ये 2.5 स्क्वायर गन हो सकता है, ये मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ कि ये 2.5 हो सकता है। कंफर्मेशन करने के लिए माइक्रोमीटर लेके आएंगे, माइक्रोमीटर है, वायर गेज है, इससे देख करके इसका नाप करके फिर अपन फाइनल कहेंगे कि नहीं ये 2.5 का है। ये कंफर्म करने के लिए अपने को अलग से एक औजार की आवश्यकता पड़ेगी, वो माइक्रोमीटर या वायर गेज, ठीक है। अभी फिलहाल आपके हाथ में आया तो ये ठीक है कि ये आपका TRS केबल है, क्लीन कोर, ये तो पहचान हो गई, ठीक है, सबको पहचान होगी ना। अगर आपके पास में ये वायर है तो इसको बोलेंगे TRS वायर है, क्लीन कोर, क्लीन डबल दो कोर। अगर कोई केबल है जिसमें तीन निकल रहे तो थ्री कोर, और वो फ्लेक्सिबल है तो थ्री कोर फ्लेक्सिबल, और उसके बाद फिर आएगा थ्री कोर फ्लेक्सिबल कॉपर के बाद फिर साइज आती है कि वो 1.5 mm है या 1 mm है या 2.5 की है, वो और उसकी पहचान अपन और करेंगे। अभी आपको जैसे ये केबल है बहुत बड़ा बंडल होगा तो उसकी पहचान, उसकी लंबाई कैसे करोगे, लंबाई ये यहाँ हर जगह हर मीटर के ऊपर दिखा रहता है कितने मीटर लंबाई, कितने मीटर के बाद फिर और आगे एक मीटर लिखा रहता है। अब यहाँ पर जैसे काम में ले लिया आधा हिस्सा तो काम में ले लिया, चलो कहीं गया, अब यहाँ से जो भी मीटर लिखा होगा उससे एक मीटर की दूरी पर देख लेना कि वो कितना प्लस हो रहा है, जहाँ आपका निशान होगा उसके आगे फिर एक निशान होगा, हर एक मीटर के ऊपर इसका निशान रहता है, बड़ी जो केबल होगी हर मीटर पर ये निशान होगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक दो मीटर हो गया, या इससे पहले जो था वो इतना काम में ले लिया, अगर ये पूरे बंडल में से अगर निकाला जाए, ये तो अभी टुकड़ा है, अगर पूरा बंडल अपने पास में यहाँ पड़ा होता, अपने बहुत बड़ी दुकान होती है और बंडल पड़ा होता, उसमें से निकालना है, पाँच मिनट निकालना है तो कहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ से शुरू होगा और उससे एक मीटर दो मीटर तीन मीटर पाँच मीटर देख करके काटो, ताकि आइडिया ले जाए, फिर उसके बाद पीछे से नाम होते कन्फर्मेशन हो गया, ठीक है। लंबाई यहाँ लिखी रहती है केबलों के लिए, वायरों पे लिखी नहीं रहेगी, हो आप ये समझे बंडल के ऊपर वायर, इस बंडल के ऊपर लंबाई नहीं लिखी रहेगी, केबल जो होगी क्योंकि इसका बंडल बहुत बड़ा होता है 1000 फीट का होता है, तो आप उसको हर जगह नहीं इस काम में ले सकते, इसलिए आपको केबल के ऊपर ही मार्किंग होता है, ठीक है। पहचान हो जाएगी ये एल्यूमिनियम सिंगल स्ट्रैंड मल्टी स्ट्रैंड, ये रहा मल्टी फ्लेक्सिबल, और ये ट्विन कोर केबल एल्यूमिनियम, ये लिखना जरूरी है, एल्यूमिनियम में कॉपर फिर एल्यूमिनियम, तब जा करके ना आपको परफेक्ट मटेरियल मिलेगा। आपको जो सामान चाहिए कॉपर का चाहिए एल्यूमिनियम का चाहिए, इसकी आपको पहचान करनी है, और इसके बाद फिर ये साइज़ का कंफर्मेशन करना है कि ये साइज़ कौन सी है, ये आपको देखना है, तब अगला और एक इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, अगला एक प्रैक्टिकल और हो जाएगा, केबल की साइज़ नापना है, वायर की साइज़ नापना है, और उस औजार का उपयोग करना है माइक्रोमीटर का और वायर गेज का उपयोग करना है, तो वो प्रैक्टिकल से साफ हो जाएगा। अभी केवल आपको हाथ में लेकर के ये एक नज़र में मालूम पड़ जाएगा ये वायर कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने 7/20 कॉपर, अगर ऐसा वायर आपको चाहिए 7/20 कॉपर, तो आपके हाथ में जो वायर है उसकी पहचान क्या है, तो 7/20 कॉपर। अब ये तो अभी आपके पास फ्लेक्सिबल है ही है, फ्लेक्सिबल है 1 mm का, ये लिखा हुआ बंडल से निकाला है 1 mm का, कितना ढाई का भी वायर लेंगे, 2.5 का भी एक बंडल है उसके को लिखा है, तो उसके अंदर जो वायर निकलेगा उसकी भी पहचान करने के 2.5 है, तो वास्तव में 2.5 है या नहीं है,
उसकी पहचान करने के लिए आपको एक तार का व्यास निकालना है, वो डिटेल अपन आगे करेंगे, ठीक है। अब इस वायर केबल को छीलना है, प्लायर पकड़ने आना चाहिए, साइड कटिंग प्लायर है, साइड कटिंग प्लायर का भी उपयोग करने आना चाहिए। केबल को काटना है तो ये पकड़ने की स्टाइल क्या बोलिए, दो उंगली ऐसे, दो उंगली पीछे, ये हैंडल बीच में ऐसे करके ना, ये नंबरिंग बीच में ऐसे प्लायर करके ऐसे ऐसे जरूरत पड़ने पर। ये तो काम जो है ये अभ्यास, प्लायर का अभ्यास ऐसे बार बार ऐसे करते रहोगे ना तब जाकर के प्रैक्टिस होगी। तो प्लायर का उपयोग करना है, ऐसे ऐसे करके उपयोग करोगे, इसकी उंगलियाँ एक बार फिर से देख लेना, ऐसे पकड़ना है इसको, ऐसे दो उंगली ऐसे करके ऐसे ऐसे, ताकि खोल भी सके और बंद भी कर सकते ऐसे, ठीक है ना। पेचकस को तो आपको पता ही था, पेचकस पकड़ने का ये हथेली के बीच में ऐसे रखना है, इसको ऐसे करके ये उंगली ऐसे आनी चाहिए और फिर इसको ऐसे टाइट करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके टाइट। क्लॉक वाइज दिशा में सभी स्क्रू टाइट होते हैं और एंटी क्लॉक करते हैं तो खुलते हैं, एंटी क्लॉक खुलते हैं। और सपोर्ट में ज़्यादा अगर लंबाई है तो सपोर्ट में एक हाथ यहाँ रखना है, आप दूसरा हाथ जो है ऐसे करके ऐसे करना है। ऐसा नहीं कि यूँ करने जा रहे हैं तो आपका पेज कर यूँ जा रहा है, पेज कर यूँ यूँ कराओगे तो फिर वो उसका जो जिस डायरेक्शन में इसको पेज जो कसना है तो वो कसा नहीं जाएगा, खोला भी नहीं जाएगा। तो उपयोग इस प्रकार से करना है। टेस्टर का आपको बताया था, टेस्टर ने एक उंगली पीछे रखनी है तो यहाँ बल्ब जलेगा, उसकी रोशनी भी देख लेना कि बल्ब की रोशनी कितनी आती है, अलग अलग कंपनी के टेस्टर में अलग अलग रोशनी छोटी कम ज़्यादा हो सकती है, ये इसमें यह अर्थिंग देना जरूरी है। तो ये तो हो गए जो अपने पास में अभी फिलहाल इतने हो जा रहे हैं। हथौड़ी की प्रैक्टिस करनी है, कील ठोकना है, हथौड़ी कितने प्रकार की है, हथौड़ी अपन नेक्स्ट हो जा रही है लेके आते हैं, हथौड़ी और कील कैसे ठोकी जाती है ना, सारा अभ्यास आपको करना है, औजारों का अभ्यास चला के देखना है। जब तक औजारों का प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आप में हाथों में जो स्किल है वो नहीं आएगी, जो हुनर आनी चाहिए ना, पायर पकड़ना है, पेचकस पकड़ना है, ये हुनर तभी आएगी जब उसका उपयोग करोगे। एक बार देख लिया, मैंने बता दिया नहीं, आपको कम से कम 8-10 बार कोई भी है उसको काटना है, पटक से आपका हाथ ऐसे चलना चाहिए, ऐसे उसको पकड़ना है, ऐसे पकड़ के वायर को ऐसे करके ऐसे छीलना है। तो ये 2-3-4 बार करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि प्लायर कैसे पकड़ा जाता है, पेचकस कैसे पकड़ा जाता है। अभी तो प्लायर पेचकस दो औजार हो गए, हथौड़ी का अपन बाद में करना है।